पता गोभी की सब्जी सिर्फ चाइनीज रेसिपीज में ही खूब धमाल नहीं मचाती है, ये आपके किचन में विंटर की एक साइड कॉम्प्लीमेंट्री डिश के तौर पे भी खूब पसंद की जाएगी अगर आप भी कुछ इस तरीके से इस पत्ता गोभी की सब्जी को बनाएंगे। आज मेरे स्टाइल से पत्ता गोभी की रेसिपी आप लोग जरूर देखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को करा है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम। इसमें ऐड करूंगी मैं 3 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल। सरसों का तेल सर्दियों में मोस्टली मैं अपनी सब्जियों को बनाने के लिए करती हूँ, आप अपने पसंद का कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच जितना ये अजवाइन। अजवाइन के तड़कने के बाद इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच जितना जीरा, थोड़ी सी डालूंगी हींग, फिर इसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्च। बहुत कम कम क्वांटिटी में मैंने डाला है, आलू मैंने 2 यूज करे हैं, पत्ता गोभी लगभग 400 ग्राम की रही होगी। सबसे खास बात, मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है, फिर मैंने इसको अच्छे से करा है मिक्स मसाले में। इसके बाद इसमें ऐड करा है स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ क्योंकि सब्जी जो है ना ये रिड्यूस होती है पानी अपना लूज करके, तो नमक थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम ही डाल रही हूँ, बाद में कम होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो इसको चला लिया है, अब इसे 7 से 8 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, या जब तक आलू 60-70% तक हाफ कुक ना हो जाए। फिर क्या करना है, ढक्कन हटाना है, अच्छे से 1-2 बार इसे चला लेना है। फिर इसके बीच में मैं यहाँ पे इस तरीके से जगह बना रही हूँ, इसमें मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज का लाल लाल टमाटर चॉप करा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्ची स्लिट कट करी हुई, और यहाँ पे 1/2 कप कटोरी जितना डालिया है मैंने ये फ्रोजन वाला मटर, और इसके बाद धनिया पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच, 1/2 चम्मच डाली है लाल मिर्ची पाउडर, आप इसको चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं। फाइनली इसे 3 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी, या जब तक टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए टमाटर बहुत ही ज्यादा मशी एंड सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसको क्या करना है, सब्जी में कर लेना है अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरीके से सब्जी बनाने के बाद सच बता रही हूँ आपको ये पत्ता गोभी की सब्जी बहुत पसंद आएगी, या घर में जिसको नहीं भी अच्छी लगती है ना उसकी भी ये फेवरेट हो जाएगी। और इस सब्जी को बनाने में मात्र 20 मिनट ही लगते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप इसे कब कब बनाते हैं। फाइनली इस सब्जी को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करा मैंने 1 छोटा चम्मच जितना कसूरी मेथी, और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला और ढेर सारा हरा धनिया। अब इसे कीजिए मिक्स, और धनिया को मिक्स कर लीजिए सब्जी में बराबर से, क्योंकि इसका जो फ्लेवर, इसकी जो खुशबू है ना, इस सब्जी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये लीजिए 20 मिनट में ये बहुत टेस्टी सी पत्ता गोभी आलू मटर मिक्स सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप इसे बनाएं, अपने परिवार में सर्व करें, और हाँ अच्छी लगे रेसिपी, आपको तारीफ मिले तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को भी लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। हर हर महादेव, बाय बाय।